नमस्कार। आपको जैसे पता है कि अभी जो आपके जितना भी अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं और आप लोग जानकारी भी ले रहे होंगे, और जैसे सबको पता है कि जो काउंसलिंग है वो जनवरी के महीने तक आगे सरक गई है, क्योंकि सरकार ने अभी तक ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन के नियम हैं उनको अपडेट नहीं किया है। हालांकि अगर सरकार चाहती तो इस मामले को पहले भी निपटा सकती थी, क्योंकि 6 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सरकार को कहा था कि आप इस पे कुछ कीजिए, क्योंकि ये जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है ईडब्ल्यूएस का, ये बिल्कुल फ्लॉड है, गलत है। इस क्योंकि इसको आप ओबीसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओबीसी के जो क्राइटेरिया हैं वो एक्सक्लूजन के हैं और ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया इंक्लूजन के हैं। तो एज पर लॉ इंक्लूसिव क्राइटेरिया जो होते हैं वो रिजर्वेशन पॉलिसी पे लागू नहीं किए जा सकते हैं। सरकार इस पे एडामेंट रही और सरकार ने उसको माना नहीं, और माना जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो पॉलिसी अब दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आएगी, जिसको सरकार कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट उसको वैलिडेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो हो सकता है उसको पार्लियामेंट के सेशन में भी लेके जाएं, और पार्लियामेंट के सेशन से उसको वो अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बीच में अभी कुछ जगहों से और कुछ स्थानों से मेरे फ्रेंड्स जो हैं, वो मेरे मित्र हैं, वो भी ये पूछ रहे थे कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका आपने पहले कुछ बताया था, उसका अपडेट पूरा है नहीं, क्या है सिचुएशन। तो वो मैं आपको बता दूं कि अभी तक काफ़ी कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं, पर अभी भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनका अपडेट होना बाकी है। तो जो कॉलेज अपडेट हो चुके हैं उनकी लिस्ट एनएमसी अपनी वेबसाइट पे कर चुकी हैं, और जो कॉलेज अपडेट नहीं होने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपकी रैंक जो है, कट ऑफ रैंक, उस पर प्रभावित करने वाले हैं। क्यों प्रभावित करने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ इसकी चर्चा करूँगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट जो है नीट के अंदर वो है राजस्थान। राजस्थान के 3600 लड़के, 3700 लड़के मैं कहूँगा, टॉप 18-20,000 के अंदर वो शामिल हैं, टॉप 10,000 के अंदर 2900 लड़के हैं, और अगले 10,000 के अंदर वो 800 लड़के हैं। तो जो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, राजस्थान स्टेट के अंदर हर साल जो नीट की कट ऑफ है उससे ऊपर स्टेट कोटे की कट ऑफ जाती है, लगभग 5 से 10 नंबर का वेरिएशन रहता है, पर इस बार ये वेरिएशन जो है वो बढ़ के 20 नंबर तक पहुंचने की संभावना है। तो यानी जो राजस्थान का स्टूडेंट है जिसके 628 नंबर हैं जनरल कैटेगरी के अंदर या ओबीसी के अंदर, वो ही अपने आप को राजस्थान के स्टेट कोटे की सीट के लिए, फ्री की सीट के लिए सेफ समझे। मैं यहाँ फ्री शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान की स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में दो तरह की सीटें हैं, पेड सीट और फ्री की सीट। जो फ्री की सीट है उसमें नॉर्मल फीस लगती है, 50 या 60 हज़ार रुपये सालाना, और जो पेड सीट है उसकी 7.5 लाख रुपये एक साल की फीस है, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी हैं। तो ये जो पेड सीट हैं इनकी भी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से ऊपर रहेगी, पिछले साल भी थी। तो यानी राजस्थान के अंदर कंपटीशन बड़ा स्टिफ है। राजस्थान के अलावा अगर कोई दो अन्य स्टेट जिसके अंदर कट ऑफ जो है वो ऊपर रहेगी, वो हमेशा रहती है, वो है दिल्ली और दूसरा है हरियाणा। पर हरियाणा में चूंकि कॉलेज कम है इसलिए ऊपर रहती हैं, अब कैंडिडेट काफ़ी है नहीं, पर राजस्थान के लड़कों को इसका काफ़ी इसमें आपको लॉस है।
और राजस्थान के अंदर सरकार ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, गंगानगर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, चार मेडिकल कॉलेज की परमिशन मांगी थी। परमिशन नहीं मिली। फिर गंगानगर और धौलपुर के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए, परमिशन नहीं मिली। अब चूंकि काउंसलिंग आगे सरक गई है, तो उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि वो दे दें परमिशन। पर जो नेक्स्ट एमसीआई का एनएमसी का जो इंस्पेक्शन की डेट है, वो ही अप्रैल 2022 की है। तो इसलिए इस नीट के सेशन में राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अलावा कोई भी स्टेट कोटे के अंदर या सेंट्रल ऑल इंडिया कोटे से नई सीट नहीं आएगी। अब हम आते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है सीट नहीं आने का। तो इसका सीट नहीं आने का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस आप देखना है तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2017 में नीट की कट ऑफ 5,900 कुछ थी ऑल इंडिया कोटे की। राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलते हैं। उस साल 2018 में सिर्फ राजस्थान और कुछ कॉलेज वेस्ट बंगाल में खुले थे। तो उसकी वजह से जो रैंक थी 2018 के अंदर, वो 10,000 पे चली गई। कॉलेज तो सिर्फ 6 ही खुले हैं, पर आपके रैंक 10,000 चली गई, क्योंकि राजस्थान के लड़के जो थे राजस्थान में ही अब जॉब हो गए थे, काफ़ी लड़के अब जॉब हुए थे। 2019 में कॉलेज के खुलने वालों की संख्या 18 से ज़्यादा थी, पर मेरिट में इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे राजस्थान में उस वक्त कोई कॉलेज नया नहीं था। 2020 में एक बार फिर आप देखोगे, कॉलेज के खुलने वाले कॉलेजेस की संख्या कम थी, पर राजस्थान के दो कॉलेज नए थे, तो जो मेरिट जो कट ऑफ थी वो प्रोपोर्शनली ज़्यादा चली गई। यानी जहाँ 18 में 10,000, 19 में 12,000 और 20 में ये 15,000 से 15,023 के करीब जाके आपके ख़त्म हुई थी। यानी राजस्थान में जब नया कॉलेज खुलेगा, तो नीट ऑल इंडिया कोटे की मेरिट का जो कट ऑफ नीचे जाना है, वो ज़्यादा तेज़ी से जाती है। कारण आपको पता है कि राजस्थान में हमेशा ही टॉपर्स के अंदर काफ़ी लड़के आते हैं, और नीट 2022 के अंदर भी यही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि राजस्थान में जिन लड़कों के ये लड़कियों के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नंबर 600 के आसपास हैं, 602, 603, 600, 601, 590, 585, उन लड़कों ने वापस तैयारी चालू कर दी है, तो निश्चित रूप से मई के महीने में होने वाले एग्ज़ाम के अंदर नीट में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करेगी। इम्प्रूव करेगी तो डेफिनेटली है कि ये संख्या जो है टॉपर्स में इनकी बढ़ेगी। पर अगले साल चार मेडिकल कॉलेज राजस्थान के खुलेंगे, तो हो सकता है कि उसका मेरिट के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा का नीचे जाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें आपके नए कॉलेजेस के अपडेट के बारे में, तो जो अभी तक अपडेट वेबसाइट हैं उसके अलावा जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी नए कॉलेज आएंगे, वो आपको मैं बता दूं, दो महाराष्ट्र में हैं, एक पुणे एक मुंबई। पुणे में म्युनिसिपल कमेटी का मेडिकल कॉलेज है, नया खुल रहा है 100 सीट का। और मुंबई के अंदर जेजे मेडिकल कॉलेज के साथ ही एक नया मेडिकल कॉलेज उसी कैंपस में खोलने की परमिशन है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। तो इसलिए KM हॉस्पिटल के साथ अटैच करके और एक नया मेडिकल कॉलेज 100 सीट का खोलने का परमिशन ग्रांटेड होगा। इसके अलावा जो कॉलेज आपके परमिशन पे आनी है, उसमें अभी भी पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है, वो लिस्ट में नहीं आया है, वो भी शामिल होगा। उड़ीसा के कॉलेज जो हैं, तीनों कॉलेज उसमें NMC की वेबसाइट पे आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं,
पर आपको काउंसलिंग में भी दिखाई देंगे, और हो सकता है वेबसाइट पे अपडेट हो जाए क्योंकि उनके लेटर इशू हो चुके हैं। इसी तरह से दूसरे अगर और किसी स्टेट में बात करें तो हम और बाकी जगह कहीं नया मेडिकल कॉलेज है नहीं। एम्स के दो नए इंस्टीट्यूट हैं, अवंतीपुरा और मदुरई, 50-50 सीट के साथ। और जिन 50 सीट्स पे पिछले बार एडमिशन एम्स में कॉलेजेस में हुए थे, उन सब जगह पे 100-100 सीट पे एडमिशन्स होंगे। और आपको ये भी हम बता दें कि जो एडमिशन्स की प्रक्रिया है उसमें आपको इस बार काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम देखें। ये अगर आप देख रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा इसको निकालने के लिए कोशिश किया है कि अगर आप देखें कि किस तरह से होगा, तो जो अंडमान का मेडिकल कॉलेज अगर हम बात करें तो वहाँ जो जनरल्स के एडमिशन थे वो कम थे, ओबीसी के एडमिशन भी कम थे। इस तरह से अगर हम उन सीट्स को हम नीचे नीचे देखते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक अलग पिक्चर जो है वो आती है। वो ये है कि आपके कई कॉलेजेज ऐसे हैं जिसमें जनरल कैटेगरी के एडमिशन जो हैं वो ज़्यादा हैं, कई कॉलेजेज ऐसे हैं जहाँ पे जनरल कोटे के एडमिशंस कम हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो आपको देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या होगा कि दिल्ली की जो कट ऑफ है वो हमेशा से ही ऊपर रहती है। वहाँ पे ओबीसी की संख्या काफ़ी कम है दिल्ली में, तो अगर आप 2020 का भी ओबीसी का रिजर्वेशन देखेंगे, वहाँ पे कट ऑफ देखेंगे, तो 18,000 की रैंक तक के भी एडमिशन वहाँ पे स्टेट कोटे के अंदर हो जाता है। आईपी कोटा जो उनका है उसमें, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर और दिल्ली स्टेट के कोटे में। पर जनरल का कोटा जो है वो काफ़ी जल्दी 7-8 हज़ार के आसपास ही ख़त्म हो जाता है। तो इस बार भी दिल्ली की जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो टॉपर्स में बड़ी है, यानी वहाँ पे स्ट्रेस बड़ा है। और दूसरी चीज़, अगर हम जो दिल्ली के कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटे को देखें तो ये ऑल इंडिया कोटे के अंदर रिजर्वेशन का इम्पैक्ट कैसे आएगा वो समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे मौलाना आज़ाद के अंदर, तो मौलाना आज़ाद में 36 एडमिशन होने हैं, 36 एडमिशन हुए थे पिछली बार, और जिसमें से जो जनरल की कट ऑफ थी वो 90 थी, ओबीसी की 167 थी, और ओबीसी के स्टूडेंट 167 पे एडमिशन हुआ है। तो ये ईडब्ल्यूएस का पिछली बार एडमिशन उसमें था नहीं, तो इस बार ईडब्ल्यूएस अपनी सीट लेके जाएंगे। इसके अलावा जो ओबीसी के स्टूडेंट जो ऊपर की रैंक के हैं वो जनरल में सीट लेके जाएंगे, तो जो ओबीसी की कट ऑफ है वो नीचे आएगी, जनरल की कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगी। जनरल की कट ऑफ ऊपर जाने से जो उसके नीचे की रैंक के जनरल जो मेमसी में एडमिशन के इच्छुक थे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो ऑल इंडिया कोटे से दिल्ली के दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की तरफ जाएंगे। वो जाएंगे तो वहाँ से जो सीटों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो नीचे चलता जाएगा जनरल्स का, और ये जनरल का डिस्प्लेसमेंट आते आते नीचे इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नए मेडिकल कॉलेजेस और रिजर्वेशंस के साथ मेरा जो अनुमान है वो ये कहता है कि ऑल इंडिया कोटे में जनरल्स का एडमिशन जो है लगभग 12,634 से लेके और समवेयर राउंड 14,000 के आसपास बंद हो जाना चाहिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। और ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो ऑल इंडिया कोटे पे
सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद लगभग 19,500 के करीब बंद होना चाहिए। फिर एक जो क्वेश्चन मेरे को मेरे कई कलीग्स भी पूछते हैं और इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ने भी मेरे से पूछा था कि हमें एडमिशन्स मान लीजिए हमारा ड्रॉप किया था पर नंबर 590 595 हैं, ऑल इंडिया कोटे की सीट मिलने के चांस कम हैं, तो हम कौन से काउंसलिंग पे जाएं। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो सबसे बेस्ट है अभी आज की तारीख में, अगर सबसे चीप की बात करें, सबसे सस्ते की बात करें, तो आपको सबसे सस्ता प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन छत्तीसगढ़ में मिलेगा, पर छत्तीसगढ़ के अंदर आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा और कुछ हॉस्टल के एक्सपेंस और कुछ अदर एक्सपेंसेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। यही अगर आप साउथ में जाएंगे, कर्नाटका जो एक फेवरेट डेस्टिनेशंस है यूपी राजस्थान दिल्ली हरियाणा के लड़कों का, जो हायर मेरिट पे होते हैं उनकी स्टेट कट ऑफ ज़्यादा जाती है, पर इस बार चूंकि यूपी में नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं 9, तो वहाँ के जो कट ऑफ है वो इस बार ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ से भी कम रहेगी और इसका नतीजा ये होगा कि यूपी के लड़कों का मूवमेंट साउथ में कम हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है साउथ में केरल है, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश है, चौथा तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ओपन हैं। तो जो अगर एक्सपेंस के हिसाब से देखें तो सबसे महंगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, और उसके बाद कर्नाटक है, और सबसे सस्ता जो है वो केरल है। केरल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने काफ़ी कोशिशें की फीस बढ़ाने की, और पिछले साल 2019 में उन्होंने एडमिशन स्टार्ट किए थे, 2020 में उन्होंने एकदम से जो वेबसाइट पे अपनी फीस दिखाई वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया नहीं, कम स्टूडेंट्स गए, परंतु वो कोर्ट में केस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन के खिलाफ फैसला दिया, फीस रेगुलेटरी कमेटी ने वहाँ की फीस डिसाइड की, और जो फीस है वो 7 लाख से कम है। हॉस्टल की फीस सब कुछ मिलाने के बाद भी आपका 9 लाख के अंदर सारा एक्सपेंस पर एनम आपका होगा और आपको अच्छी एजुकेशन वहाँ पे मिलेगी। केरल में आपको बता दूँ, केरल एक ऐसा स्टेट है जो ना केवल यूजी में एक्सेल करता है, नीट यूजी में, बल्कि नीट पीजी में भी, जो अगर हम प्रोपोर्शनल रेशियो निकाल के देखते हैं कि कॉलेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कितने सिलेक्शन होते हैं उसका रेशियो अगर हम निकाल के देखते हैं, तो पूरे कंट्री में नंबर वन पे केरल है। वहाँ से काफ़ी लड़कों का सिलेक्शन होता है। तो केरल के अंदर आप कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। जिन लड़कों ने केरल में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था वो केरल जा सकते हैं, कर्नाटक के ऊपर उसकी चॉइस हो सकती है। केरल में अगर आप कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वो जुबली मिशन है, और जुबली मिशन इतना अच्छा कॉलेज है कि वहाँ पे लड़के केरल के लोकलाइट जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट की सीट को छोड़ के जुबली मिशन में आके पढ़ाई करते हैं। कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आपको स्टेट से बाहर जाना है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर मेरे पास अगर कोई कहे कि मेरी चॉइस क्या हो, अगर सपोज़ मेरे घर में कोई कैंडिडेट हो और उसको टॉप के नंबर हैं और उसको बोले कि आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है, तो आई विल नॉट सेंड दैट पर्सन दैट स्टूडेंट टू एम्स दिल्ली, रादर आई विल सेलेक्ट CMC वेल्लोर। CMC वेल्लोर एम्स दिल्ली से अच्छा कॉलेज है, फैकल्टी वाइज, स्टडी वाइज, और जो पैटर्न है वहाँ का
उसके हिसाब से। मुझे 2020 का याद है, 2020 में एक लड़की थी आंध्र प्रदेश की, उसने एम्स दिल्ली छोड़ के वो सीएमसी वेल्लोर गई थी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो साउथ साउथ के काफ़ी लड़के हैं टॉप 50 में, 3 4 5 लड़के हैं, पिछली बार से ज़्यादा हैं, तो वो शायद सीएमसी वेल्लोर को अडॉप्ट करें। जो लड़के मैमसी नहीं मिलता है उनको, और वो चाहते हैं कि मैमसी जैसा कॉलेज हो, तो मेरा उनको सलाह है कि आप जीएमसी कालीकट पे जाएं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कालीकट केरला, क्योंकि उसको हम साउथ का मैमसी बोलते हैं, और वहाँ से भी पीजी के अंदर सिलेक्शन की रेट काफ़ी अच्छी है। पिछले साल का कट ऑफ 1400 था उसका, तो आप अगर मैमसी से नहीं मिलने से निराश हों, तो मेरा सजेशन उस पे है कि आप जीएमसी कालीकट पे चले जाएं। 2018 से पहले यानी 2017 तक जीएमसी कालीकट में ऑल इंडिया कोटे से सभी राजस्थान के लड़के जाते थे वहाँ पे, और स्पेशली वहाँ पे उन्होंने मैस में कुक भी रखा हुआ था, जो उनके लिए खाने अच्छे खाने की व्यवस्था करते थे, ताकि उनको होम सिकनेस ना हो, क्योंकि पढ़ाई वहाँ की इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे यहाँ कॉलेज खुलते गए राजस्थान में, तो ये जनसंख्या जो है ऑल इंडिया कोटे से उनके जाने वालों की कम हो गई, पर इस बार रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से हो सकता है कि नॉर्थ के लड़के, सेंसिबल लड़के अगर हों, तो जीएमसी कालीकट को चूज़ कर सकते हैं। बाकी अपडेट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कॉलेजेस की अपडेटेशन इसमें चल रही है, और भी अगले जनवरी तक होने का ये बेनिफिट हुआ है कि संभवतः 3 कॉलेज आपके झारखंड के भी इसमें जुड़ जाएंगे। हाँ, एक बड़ा अपडेट और है, वो ये है कि गुजरात के अंदर 6 कॉलेजेस GMERS के खुले थे, गवर्नमेंट सोसाइटी के, और वो कॉलेज ऑल इंडिया कोटे में सीट नहीं दे रहे थे। 2 कॉलेज मध्य प्रदेश के भी थे, तो उन कॉलेजेस को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया है 23/11 को, मेडिकल काउंसिल कमेटी द्वारा, NMC द्वारा लेटर इशू हुआ है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कि 15% कोटा सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सोसाइटी के मेडिकल कॉलेज को नीट UG में, और नीट PG में 50% कोटा देना अनिवार्य है। अब उस लेटर के अंदर जम्मू कश्मीर का मेंशन है नहीं, अगर जम्मू कश्मीर का मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इस बार जम्मू कश्मीर के कॉलेज भी ऑल इंडिया कोटे में आए। हालांकि उसका अलग से आदेश निकलेगा, पर अभी तक आदेश निकला नहीं है, पर अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद वहाँ पे सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि ऑल इंडिया कोटे से भी वहाँ पे स्टूडेंट को एडमिट करें, अदरवाइज वहाँ की जो लोकल परिस्थितियाँ हैं वो बिगड़ने का खतरा है, इसलिए उनको नज़र रखते हुए वो नहीं करेंगे। और बाकी यूपी में नए कॉलेज खुलने से इससे काफ़ी रिलैक्स होगा, बिहार का कॉलेज खुलने से होगा, और जो कुछ कुछ गरीब विद्यार्थी जो जिनके पास ESI का कार्ड है, उनके लिए अच्छी खबर है कि 2 ESI कॉलेजेस खुलेंगे, तो उन बच्चों को भी एक्स्ट्रा आप मौका मिलेगा। उनकी जैसे पिछले साल इनकी कट ऑफ, इवन ESI कोटा की भी कट ऑफ 545 के करीब थी, तो वो शायद इस बार घट के 520 तक आ जाए। तो ESI कोटे में भी जो गरीब विद्यार्थी हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, जो सपना देखते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ें, हम डॉक्टर बने, उनके लिए एक अच्छा मौका है। हालांकि सरकार को 7 ESI कॉलेजेस खोलने थे, पर सरकार की खोलने की गति काफ़ी धीमी है, अन्यथा गरीबों के लिए और भी अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। तो ये सभी अपडेट आपके लिए हैं, और मैं समझता हूँ कि और भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी स्टेट से संबंधित आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो मुझे पूछ के अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरे पास जो एनालिसिस अवेलेबल है, उसके आधार पर मैं आपको एक एक्सपेक्ट